विद्यार्थियों, अकाउंटिंग शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एक बिजनेसमैन कैसे टेली डॉट ई आई पी में अपनी सिक्योरिटी कंट्रोल को मजबूत कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, टैली डॉट ई आई पी 9 आपको एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देती है। उस फैसिलिटी का नाम है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल, देखिए, जब आप टैली को खोलते हो और कोई कंपनी क्रिएट करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आती है सिक्योरिटी। अगर उसको आप यस करते हो तो ओनर का पासवर्ड और नाम पूछा जाता है। मान लो कि उसमें आपने लिख दिया विनोद और पासवर्ड सेट कर दिया आपने 1, 2 और 3। ठीक, तो जैसे ही आप दोबारा कंपनी इन्फो के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, राइट साइड में होगा बटन कंपनी इन्फो इन्फो, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी। उस ऑप्शन का नाम है सिक्योरिटी कंट्रोल। उस ऑप्शन का नाम क्या है? सिक्योरिटी कंट्रोल। तो इस सिक्योरिटी कंट्रोल में आप लेवल ऑफ सिक्योरिटी तथा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी बना सकते हो। लेवल ऑफ सिक्योरिटी में मान लीजिए कि आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, उसे डाटा एंट्री आप समझ लीजिए कि वो डाटा एंट्री करेगा, वो अकाउंटेंट आपका डाटा एंट्री, तो उसका आपने नाम नोट कर लेना है, लिख लेना है। मान लो उसका नाम विजय है। उसका नाम क्या है? विजय। तो उसमें आप डाल दीजिए विजय और पासवर्ड उसका रख दीजिए आप 2, 3 और 4। और टाइप्स ऑफ उसकी सिक्योरिटी, तो उसमें आपने सिक्योरिटी रखनी है डिसअलाउ, डिसअलाउ, डिसअलाउ। किस चीज के लिए डिसअलाउ? डिसअलाउ आपने करना है उसको पोस्ट वॉचर अल्टर। तो अगली बार जब टैली खोलोगे तो एडमिनिस्ट्रेटर भी टैली खोल सकता है, विनोद 1, 2, 3 लगाकर, और जो डाटा एंट्री है वो भी टैली खोल सकता है विजय 2, 3, 4 लगाकर। बट यह डे बुक में जाकर जो डाटा एंट्री अकाउंटेंट है वो डे बुक में जाकर उसको अल्टर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। मान लो कि उसने बिजनेसमैन ने किसी से 5 लाख लेना है तो ये वहां जाकर 6 लाख की एंट्री पास नहीं कर सकता या 4 लाख की एंट्री नहीं पास कर सकता। जबकि अगर कोई मिस्टेक है तो जो ओनर होगा वह एंट्रीज चेंज कर सकता है, उसको ये पावर है। तो यह सिक्योरिटी जो सेंटर है यह आपको एक तरह का लॉक देती है। ठीक है, तो
उसकी चाबी जो है वो आपके ओनर के पास है डिफरेंट चीजों के लिए। धन्यवाद, प्लीज कमेंट एंड कीप इन टच।